राधे राधे भक्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल हमारी संस्कृति में। मैं आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो मकर संक्रांति आने वाली है, तो मकर संक्रांति दिन जानते होंगे कि बहुत सारे व्यक्ति हैं जो इस दिन दान पुण्य कमाते हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ मकर संक्रांति के रोज किस चीज का दान करने से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। तो कहा जाता है कि इस दिन दान करने से जीवन में सुख समृद्धि मिलती है और इस दिन किया गया दान आपको 100 गुना फल प्राप्त होता है। मकर संक्रांति पर यदि कुछ खास चीजों का दान किया जाए तो ना केवल आपके शनि दोष दूर हो जाएंगे बल्कि आपका करियर एवं शानदार अवतार पकड़ सकता है। तो आइए जानते हैं भक्तों, मकर संक्रांति के रोज क्या क्या चीज दान करना चाहिए। पहला है इसमें खिचड़ी। सबसे पहले बात करते हैं खिचड़ी की। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाना भी बेहद महत्व की चीज है, लेकिन अगर आप खिचड़ी दान करते हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है। इस दिन दाल और चावल की खिचड़ी खाना और दान करना बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप खिचड़ी दान करना चाहते हैं तो काली उड़द की दाल के साथ चावल मिलाकर बनाइए और दान कीजिए। अगर कच्ची खिचड़ी दान करना चाहते हैं तो उड़द की दाल, चावल, हल्दी, नमक और देसी घी को अलग अलग बर्तन में रख कर दान कर सकते हैं। उड़द शनि का प्रतीक है, इसलिए इसके दान से शनि दोष दूर होते हैं। चावल चूंकि अक्षय अनाज कहा जाता है, चावल दान करेंगे तो उसका 100 गुना पुण्य आपको प्राप्त होगा। तो पहले भक्तों आपने जाना खिचड़ी दान करना चाहिए और खिचड़ी मकर संक्रांति रोज खाना भी चाहिए। दूसरा बात करते हैं तिल का। मकर संक्रांति का कहावत है कि तिल चटके दिन अटके, यानी इस दिन तिल चटकाए जाते हैं, तिल के लड्डू खाए जाते हैं और तिल के अन्न पकवान भी बनाए जाते हैं, लेकिन साथ ही तिल का दान भी महादान है। तिल चूंकि शनि देव से संबंधित है, इसीलिए तिल के दान से शनि दोष दूर होता है। कहते हैं कि नाराज सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए उसके पुत्र शनि देव ने काले तिलों का प्रयोग किया था, इसीलिए इस दिन तिल का दान काफी शुभ माना जाता है। अब चलिए भक्तों बात करते हैं काली वस्तुएं। मकर संक्रांति के दिन काली वस्तुओं जैसे काला कंबल, काले कपड़े या अन्य जरूरत का सामान दान करना चाहिए। इससे शनि दोष भी दूर होंगे, साथ ही राहु का प्रभाव भी आपके जीवन से दूर होगा। लेकिन ध्यान रखें कि पुराना सामान दान ना करें। कंबल दान करने से भारी ठंड में जरूरतमंदों को राहत मिलेगी, जिससे शनि देव आपसे प्रसन्न होंगे। चौथा बात करते हैं भक्तों गुड़ और घी के बारे में। शास्त्रों में कहा गया है गुड़ और देसी घी दोनों ही गुरु से संबंध रखते हैं। इस बार संयोग से मकर संक्रांति शुक्रवार को पड़ रहा है, इसीलिए आप दान करते समय ध्यान रखें कि दान की जा रही वस्तुओं में से किसी भी संबंध में मां लक्ष्मी का ध्यान करेंगे तो बहुत ही शुभ होगा। आप गुड़ और घी का दान कर सकते हैं। शुद्ध घी के दान से आपके गुरु आपके करियर और नई ऊंचाइयों और रफ्तार देंगे, जबकि गुड़ के दान से शनि दोष और गुरु दोष दोनों दूर होंगे। तो आपने जाना भक्तों कि मकर संक्रांति रोज क्या क्या दान करना चाहिए, जैसे कि आपके घर में सुख समृद्धि आवे, आपके घर में धन का वर्षा हो और आप पुण्य कमा पाए। तो आपने जाना। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये मकर संक्रांति वाला वीडियो जरूर अच्छा लगेगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर भक्तों आप लोगों को किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी उस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। आप कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी कुछ भी लिख सकते हैं। तो मेरा वीडियो यहीं तक था, तब तक के लिए राधे राधे, प्रणाम।